देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के गृह विखे सारिया संस्थावां दे साडे धार्मिक संस्थावां और देश दीआं प्रमाणित हस्तियां अज इत्थे इकट्ठियां होईआं ने। आप लोगों के बीच में रह करके जो मैं सीखा हूँ, जो गुरु महाराजों ने सीख दी है, सब तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जितना कर पाता हूँ उसी से मुझे आशीर्वाद मिलते हैं और मैं कर और ज्यादा करने का मन करता है। ढंग से रखना है, नीचे छूना नहीं चाहिए, कुछ भी नीचे नहीं छूना चाहिए। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का आभार व्यक्त करदा जिन्होंने भारत नूं माननीय मोदी जी जैसे प्राइम मिनिस्टर दिते हैं। क्या पहले हमारे देश के माननीय प्राइम मिनिस्टर जी हैं जिन्होंने साहिबजादों के सम्मान को हर हृदय तक पहुँचाने का एक सफल प्रयास किया है। मैं सोचता हूँ आपका हृदय एक सिख हृदय है। में अमृतसर में आपको मिले थे जी, और उसके बाद आज मिले। कितना साल हो गया जी? हमारे यहाँ गुजरात में तो कहा जाता है कि जब संतों की महापुरुषों की चरण रज आपके घर में पड़ती है तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। तो आज आपकी चरण रज मेरे घर में हुई है, ये मेरा सौभाग्य है। मोदी जी बड़ी कृपा आपकी, जो आप कर रहे हो परमात्मा, हम तो दुआ करने आए हैं कि आपको और ताकत मिले और सिखों को, जो हम सारी उम्र ये था कि हमारा भी कुछ देखेगा, आप कर रहे हो, इसे ज्यादा करो, परमात्मा आपका भला करे। ये देश कोई 47 में पैदा नहीं हुआ है जी, हमारे गुरु महाराजों ने कितनी तपस्या की है इमरजेंसी में,